लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसदीय क्षेत्र के 5 दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे और लोकसभा अध्यक्ष ने शक्ति नगर में कैंप कार्यालय में जनसुनवाई की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद में बजट सत्र में पहले कुछ गतिरोध हुआ था, लेकिन बाद में संसद में बजट सत्र देर रात तक चलता रहा। बजट सत्र के लिए 10 घंटे आवंटित किए गए थे, लेकिन हमने 14 घंटों से ज्यादा समय तक बजट सत्र पर चर्चा की। संसद रात के 12 बजे तक चलता रहा। सभी सदस्यों ने अपना सहयोग दिया, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। नए संसद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। हमने लक्ष्य तय किया है कि अक्टूबर 2022 तक हम इसका निर्माण करवा देंगे। नए संसद भवन में 100% भारत और भारत में बने उत्पाद की काम के लिए काम किए जाएंगे और नए संसद भवन में अलग अलग प्रदेशों की झलक देखने को मिलेगी। वहां की परंपराओं, संस्कृति, हस्तकला और ये तमाम चीजें होंगी जिसकी झलक देखने को मिलेगी नए संसद भवन में। संसद भवन का नया संसद भवन का कार्य शुरू हो चुका है और हमने लक्ष्य तय किया है कि अक्टूबर 2022 तक हम संसद भवन को पूर्ण बना देंगे। ये संसद भवन हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, एक ऐसी ऐतिहासिक इमारत है जो आजादी के बाद हमने बनाई है, हमारे देश की जनता ने बनाई, सरकार ने के सहयोग से संसद ने बनाई है और निश्चित रूप से इस भवन को हम आत्मनिर्भर भवन की तरफ अपना 100% संसद के अंदर निर्माण के अंदर 100% भारत और भारत से बने हुए उत्पाद और सामग्री लगेगी ताकि आत्मनिर्भर भारत की झलक हो सके और विविधताओं, अलग अलग प्रदेशों की अलग अलग विविधताओं की झलक, सांस्कृतिक झलक, वहाँ की हस्तकला की झलक भी उसके अंदर नजर आएगी, ताकि ये संसद का भवन जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत होगा, जहाँ पर संसद में चर्चा होगी, संवाद होगी, देश के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, हमने इसी तरीके से विविधताओं में एकता का संगम संसद भवन